किच्छा शहर स्थित रोडवेज पर हुए कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी के साथ मारपीट प्रकरण में पुलिस ने अलग ही वजह बताई है, जिससे किच्छा के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में मारपीट की वजह रंग मिजाजी बताई जा रही है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी द्वारा एक लड़की को नौकरी का झांसा दिया गया था और निरंतर उस लड़की का पीछा किया जा रहा था, जिसको लेकर उक्त लड़की के भाई और उसके मित्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी के भाई पर पूर्व में हमला हुआ था और उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसके बाद गुलशन सिंधी पर हमला हो गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेसी भी एकजुट हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन कांग्रेसी व सिंधी के परिवारजन नाखुश दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी पहले ही पकड़ ली गई, इसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में आ गया था जो रोड पेज पे खड़ी हुई। आज मुंजिम को गिरफ्तार किया गया, तीन मुंजिम को गिरफ्तार किया गया, तो उसके रहने वाले एक रामनगर छुट्टी कर रहे। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए किच्छा से मनीष सिडाना की रिपोर्ट। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।